हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू वन एक्स की पावर 15 माइनस वन और डिवाइड में दिया है हमें एक्स की पावर 10 माइनस वन। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर एक्स को मैं वन से अप्रोच करवाऊँ, अगर एक्स की जगह मैं वन रखूं तो यहाँ पर वन माइनस वन इक्वल ज़ीरो और डिवाइड में यहाँ पर वन की पावर 15 हो तो वो वन ही रहेगा। ओके, और डिवाइड में भी इसी प्रकार वन माइनस वन की पावर 10 वन ही रहेगा और माइनस वन, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। ओके, तो देखिए इसको मैं ऐसे करूँगा, लिमिट एक्स टेंड टू वन और यहाँ पर क्या है x की पावर 15 और माइनस वन, जो डिवाइड में x की पावर 10 माइनस वन है इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस वन से और इसी से मैं इसको डिवाइड करूँगा। ओके, इसको मैं क्योंकि इसी से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इसी से इसको डिवाइड किया है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू वन और एक्स की पावर 15 माइनस यहाँ पर वन है तो वन की पावर मैं 15 लिख सकता हूँ वन को, क्योंकि वन की पावर 15 करूँगा तो ये वन ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ पर 0, 1, 2, 3 कितना भी वो पावर ये वन ही रहेगा वन की पावर, तो ओके, तो मैंने इसको ऐसे इस वन को ऐसे लिख दिया है वन की पावर 15 डिवाइड में यहाँ पर जो एक्स माइनस वन है ये मैं यहाँ पर रखूँगा एक्स माइनस वन। ओके, इसके साथ और इनटू जो एक्स की पावर 10 है इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ एक्स की पावर 10 और माइनस वन और डिवाइड में इसके क्या है एक्स की पावर माइनस वन, इनको मैं अलग रखूँगा। ओके, ये मल्टीप्लाई में अभी देखिए मैं यहाँ पर लिमिट का एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लिमिट अगर लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो या वन कुछ भी हो एक्स टेंड टू ए ले लेते हैं हम, और अगर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स हो तो हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ओके, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, इतने पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा मैं और ये एक्स की पावर 10 माइनस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन है इस पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड टू वन और एक्स की पावर 15 माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ओके, इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई किया इतने पर और इस पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए वन और एक्स की पावर 10 माइनस वन। वन देखिए यहाँ पर माइनस वन वन है तो वन की पावर इसको भी मैं 10 लिख देता हूँ। ओके, डिवाइड में एक्स माइनस वन। मैंने देखिए यहाँ पर वन की पावर 15 और वन की पावर 10 इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अभी हम लिमिट का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिमिट अगर x टेंड टू a दिया हो हमें और x की पावर अगर n हो और माइनस a की पावर n हो डिवाइड बाय x माइनस a हो तो हम उसको n इंटू a की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं उस लिमिट को। ओके, और यहाँ पर हमें क्या दिया है देखिए a की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और यहाँ पर 1 की पावर 15 है। ओके, सेम इसके जैसा है, a की जगह सिर्फ हमारे पास ऊपर 1 है, तो इसको हम
क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली के लिए अलग अलग रखेंगे हम, तो यहाँ पर n की जगह हमारे पास क्या है 15, तो 15 और a की जगह हमारे पास क्या है 1 और यहाँ पर n माइनस 1, तो 15 माइनस 1। ओके, डिवाइड में इसी प्रकार यहाँ पर x की पावर कितनी है 10, तो n की जगह कितना है हमारे पास डिवाइड में 10 और a की जगह कितना है 1, 1 की पावर 10 माइनस 1। ओके, तो ये लिमिट किसके इक्वल है हमारी, देखिए 15, 1 की पावर 15 और 1 की पावर कितनी हो गई 14 यहाँ पर, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है 10 और 1 की पावर कितनी हो गई 9। 1 की पावर 14 और 1 की पावर 9, ये तो 1 ही रहेगा। ओके, तो 15 डिवाइड बाय 10, इनको हम काट भी सकते हैं, देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा 2। ओके, तो 3/2 हमारा आंसर है। तो ये लिमिट किसके इक्वल है, ये है 3/2 के। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।